Welcome back, class. Now, in the last four set of sums with respect to practice set 12 are as follow. The pattern is same: numerator multiply by numerator, the whole upon denominator multiply by denominator. Clear, beta? So we begin. Ab beta, dhyan se. After writing the fifth question, leave a line. Numerator multiply by numerator, the whole upon denominator multiply by denominator. Again leave a line. 1 multiply by 7 will give you 7, and 5 twos will give you 10. Socho, 7 or 10 max ke koi bhi table mein common hai kya beta? 1 ka table mat bolna mujhe. Apart from 1, leaving 1 ka table, koi aur table mein 7 or 10 saath mein aate hain? No. So the answer is 7 upon 10. Clear? Next hai beta aapka 9 multiply by 7, that is numerator multiply by numerator, the whole upon denominator multiply by denominator. 9 sevens are 63, 7 eights are 56. So 63 and 56 max ke कौन से टेबल में साथ में आते हैं? आते हैं, आई नो आपको भी दिख रहा है, एंड द आंसर इज बेटा 7. 7 के टेबल में 56 भी आता है और 7 के टेबल में 63 भी आता है, करेक्ट? सो वी विल डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7. क्यों? Because 63 और 56 7 के टेबल में कॉमन है, सो वी आर सपोज टू डिवाइड इट. अब अपने आप से पूछो बेटा कि 7 के टेबल में 63 कब आता है? तो 7 9s are 63, और फिर 7 के टेबल में 56 कब आता है? 7 8s are 56, और 9 upon 8 बेटा किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1. 1 के टेबल को छोड़कर और किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका 7 सम. लीव अ लाइन. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन denominator multiply by denominator. 5 6 are 30 upon 6 5 are 30, correct? अब बेटा ऊपर भी 30 है, नीचे भी 30 है, तो आप मुझे बोलोगे सर 3 के टेबल में, सर 5 के टेबल में, अरे सर 6 के टेबल में, नहीं सर 2 के टेबल में, 15 के टेबल में, 10 के टेबल में. मैं बोलता हूं ना सबसे बड़ा टेबल, सर 30 के टेबल में, 30 के टेबल में 30 तो आएगा ही आएगा ना, तो फिर 2, 3, 5, 6, 15, 10 ये सबसे क्या खेलना, बड़े टेबल से खेलेंगे ना. तो डायरेक्टली वी विल डिवाइड बाय 30, डिवाइड बाय 30, डिवाइड बाय 30, करेक्ट? अब 30 के टेबल में 30 कब आता है बेटा? 1 सा. 30 के टेबल में 30 कब आता है? 1 सा. और आपको याद होगा मैंने बार बार कहा है डिनोमिनेटर में 1 इज नेवर रिटर्न. जब जब डिनोमिनेटर में 1 आता है ना बेटा, उसे कभी भी नहीं लिखा जाता. मैक्स में डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, तो इसका ओनली आंसर इज 1. खत्म. यस, दिस इज द फैक्ट कि जब डिनोमिनेटर में होता है 1, इट इज नेवर रिटन, हम कभी नहीं लिखते. सो द ओनली आंसर इज 1. क्लियर? एंड द लास्ट एंड
the final samhita with respect to your practice set 12. Numerator multiplied by numerator upon denominator multiplied by denominator. 6 threes are 18 upon 17 twos are 34. Correct? Ab beta socho, 18 or 34 max ke कौन से टेबल में सात में आता है? लीव द टेबल ऑफ वन, वन का टेबल जाने दो, कोई नहीं, मुझे तो दिख रहा है। आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद है, मैंने सिखाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर यूनिट प्लेस पे एट है और यूनिट प्लेस पे फोर है तो यू शुड डिवाइड बाय टू, यस और नो? सो वी विल डिवाइड बाय टू, divided by 2, divided by 2. अब बेटा 2 के टेबल में 18 कब आता है? 2 9s और 2 के टेबल में 34 कब आता है? 17s. Correct? So the correct answer is 9 upon 17. अगर आपको 17 आंसर नहीं समझ में आए तो आप रफ कॉलम में चले जाओ बेटा और वहां पर डिवाइड कर दो। सो द करेक्ट आंसर इज 17. हेंस इसी के साथ बेटा आपका प्रैक्टिस सेट 12 के ऑल द 8 सम्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पूरे होंगे। इसमें हम लोगों ने दो नई बातें सीखी। पहला, जब कभी भी एक नंबर कॉमन होता है तो वो उस बड़े टेबल के साथ आप डिवाइड कर दो, और दूसरी बात, डिनोमिनेटर का वन इज नेवर रिटर्न। इस सिस्टम क्लियर? सो प्लीज मेक श्योर बेटा ब्लाइंडली खाली सॉल्व करके बॉक्स मत लगाओ। ये बॉक्स का मतलब होता है अब इसको मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप यहां बॉक्स लगा देते तो सम रॉन्ग हो जाता, यहां बॉक्स लगाते तो भी रॉन्ग होता और यहां भी रॉन्ग होता, बिकॉज ऑल द थ्री वर गेटिंग डिवाइडेड, इसीलिए इनके फाइनल आंसर में बॉक्स लगा। और जब बेटा डिनोमिनेटर में वन होता है तो मैथ्स का ये नियम है, वी नेवर राइट। क्लियर?